पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर डीप फेक के वीडियो के बारे में बार बार लगातार सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। डीप फेक टेक्निक के शिकार होने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस टेक्निक के गलत इस्तेमाल से जहां आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं हाल ही के दिनों में सेलिब्रिटी के भी कई डीप फेक वीडियो वायरल हुए हैं। इस कड़ी में फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, काजोल, कैटरीना का नाम सामने आया है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरबा करते हुए एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जो सबको चौंका रहा है। लेकिन ये डीप फेक के मामले केवल भारत तक सीमित हो ऐसा नहीं है। ये डीप फेक AI टूल चर्चा का विषय बन गया है। इसके परिणाम इतने खतरनाक है कि खुद PM मोदी ने इसे खतरा बताया है। दरअसल डीप फेक AI एक टेक्नोलॉजी है जिससे एक रियल वीडियो में दूसरे व्यक्ति के चेहरे को फिट करके वीडियो बनाया जाता है। यह वीडियो रियल लगता है। वीडियो बनाने के लिए AI की मदद ली जाती है। डीप फेक शब्द लर्निंग टेक्नोलॉजी से आया है। डीप फेक फर्जीवाड़े के संयोजन से बना है। यह सब गहन शिक्षण तकनीकों वाली प्रौद्योगिकी विशेष रूप से जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क पर निर्भर करती है, जिसे पहली बार 2014 में अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट एयान गुडफेलो और उनकी टीम द्वारा पेश किया गया था। ये टेक्नोलॉजी खुद को आंकड़ों की मदद से समस्याओं का समाधान करना सिखाती है और इसके इस्तेमाल रियल व्यक्ति का फेक कंटेंट बनाने में ही किया जाता है। डीप फेक बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आम तरीके में डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए फेस स्वैपिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहले डीप फेक के आधार के तौर पर इस्तेमाल के लिए टारगेट वीडियो की जरूरत होती है, जिसे आप टारगेट वीडियो में डालना चाहते हैं। वीडियो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपका टारगेट हॉलीवुड फिल्म की क्लिप हो सकती है और जिस व्यक्ति का वीडियो आप फिल्म में डालना चाहते हो वो यूट्यूब से डाउनलोड की गई कोई भी क्लिप हो सकती है। ये प्रोग्राम कई कोनों और स्थितियों से अंदाजा लगाता है कि व्यक्ति कैसा दिखता है और फिर साझा फीचर्स ढूंढकर उस व्यक्ति को टारगेट वीडियो में दूसरे व्यक्ति की जगह पर डाल देता है। के बाद जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क की मदद से इसे मिक्स किया जाता है। ये कई राउंड में डीप फेक में किसी भी तरह की कमी को पहचान कर उसे दूर करती है। ऐसे में डीप फेक की पहचान करने वालों के लिए इसे डीकोड करना बहुत कठिन हो जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि कैसे इसकी पहचान करें। अगर कोई वीडियो डीप फेक है तो उसमें लगा चेहरा पलक नहीं झपक पाएगा। डीप फेक वीडियो में होंठों के मूवमेंट और बातचीत की मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। डीप फेक में बाल के स्टाइल से जुड़े बदलाव को दिखाना मुश्किल होता है और दांत को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि यह वीडियो डीप फेक है। जानकारों का मानना है कि डीप फेक एक बड़ी समस्या है और इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है, नहीं तो भविष्य में इसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।